देखिए प्रोटिस्टा जो होता है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोटिस्टा का सबसे बड़ा करैक्टर यही है कि इसके इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सब यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। जबकि मोनरा में आपने देखा था कि मोनरा के जो ऑर्गेनिज्म थे, जो ग्रुप मेंबर थे, वो सब प्रोकैरियोटिक थे। तो पहली चीज़ ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूनिसेलुलर का मतलब जानते हैं एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर जिसमें कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस टर्म का सबसे पहले प्रयोग जो है अर्नस्ट हेकर ने किया था। अर्नस्ट मतलब प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नस्ट हेकर ने किया था। प्रोटिस्टा को हम लिंक मान सकते हैं मोनरा और जो बाकी के तीन मेंबर हैं, यानी प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया के बीच का, ठीक है, ये मोनरा और इन तीनों के बीच का लिंक है, इनके और इनके बीच का लिंक इसको मान सकते हैं प्रोटिस्टा को, ठीक है। इसके अलावा प्रोटिस्टा को हम इनका प्रीकर्सर भी मान सकते हैं, इनका एंसेस्टर भी मान सकते हैं। ये मान सकते हैं कि प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया का जो इवोल्यूशन हुआ है वो प्रोटिस्टा से ही हुआ होगा, ठीक है। देखिए प्रोटिस्टा का जो करेक्टर है ये वेल डिफाइंड, कोई बाउंड्री इसकी नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप में ऑटोट्रॉप भी होते हैं और हेटरोट्रॉप भी होते हैं, यानी कंज्यूमर डिकम्पोजर भी इस ग्रुप में होते हैं। इसलिए आप ये कह दीजिए कि इसको ये प्लांट है या एनिमल है, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जन पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। तो प्रोटिस्टा को अगर हम क्लासीफाई करें तो हम तीन ग्रुप में इसको बांट सकते हैं। पहला ग्रुप तो होगा ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टेंट, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा प्रोटोजोन्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, कंज्यूमर्स एंड प्रोटोजोन्स। ऑटोट्रॉफिक में क्राइसोफाइट आते हैं, डायनोफ्लेजलेट आते हैं और यूग्लेनाइड आते हैं, जबकि कंज्यूमर में स्लाइम मोल्ड आते हैं, कंज्यूमर या डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म में स्लाइम मोल्ड आते हैं। प्रोटोजोन्स में अमीबॉयड, फ्लेजलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स आते हैं। अब प्रोटोजोन्स, ये प्रोटिस्टा के जनरल करेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। जनरल करेक्टर्स करेक्टर्स तो पहला है बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड ड्यू टू डिफरेंट न्यूट्रिएंट बिहेवियर। दूसरा है दे में ऑटोट्रॉफिक आर हेटरोट्रॉफिक, ये हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ये हमेशा यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक और उसमें भी मेन रूप से मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, फ्रेश वाटर बट मेनली मरीन, ठीक है, ज़्यादातर समुद्री जीवन वाले होते हैं ये। अब देखिए इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और एटीएस राइबोसोम पाया जाता है।
फ्लेचला एंड सीलिया इसमें होते हैं, तो उसमें जो उसका स्ट्रक्चर जो होता है, पैटर्न जो होता है, वो 9+2 पैटर्न होता है, ठीक है, ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स ट्यूबुल्स, ठीक है। और ये माइक्रोट्यूबुल्स जो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। देखिए जो मोनरा होते हैं उसमें 9+2 पैटर्न नहीं पाया जाता है, वहाँ 9+0 पैटर्न पाया जाता है, मतलब केवल 9 सराउंडिंग होते हैं, बीच में कुछ नहीं होता है, या 8+0 हो सकता है, ठीक है, 8+0 पैटर्न होता है किसमें, मोनरा में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में जो फ्लेजला और सीलिया होते हैं उसमें 9+0 या 8+0 पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 9+2 पैटर्न पाया जाता है। मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट वो सीडोपोडिया के द्वारा हो सकता है, सीडोपोडिया, मूवमेंट बाय सीडोपोडिया, या फ्लेजला के द्वारा हो सकता है, या सीलिया के द्वारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन सीलिया से जो मूवमेंट होता है ये सबसे तेज होता है, फास्टेस्ट होता है, फास्टेस्ट मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब भोजन ग्रहण करने का तरीका, ये इसमें फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, फोटो सिंथेटिक, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्रोटिस्टा कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, इसमें जो डाइवर्सिटी काफ़ी अधिक पाई जाती है इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। फोटोसिंथेटिक जिसको होलोफिटिक भी कह सकते हैं, ये होलोजोइक भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें इंजेस्टिव, इंजेस्टिव मतलब फूड को इंजेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं ना उस तरह से होलोजोइक में मतलब इंगल्फ कर जाते हैं, खाते हैं, ठीक है, ईट करते हैं। और सेप्रोटिक होता है, सेप्रोबिक, और पैरासाइट भी होता है, ठीक है। पैरासाइट में एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा भी होते हैं जो कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि उसके अंदर फोटोसिंथेटिक भी होता है और सेप्रोबिक नेचर भी होता है, जैसे युगलिना, ठीक है, युगलिना, युगलिना क्या होता है, ये मिक्सो ट्रॉफिक, ठीक है, मिक्सो ट्रॉफिक का मतलब ये फोटोसिंथेसिस को भी शो करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लस सेप्रोबिक नेचर का भी होता है, सेप्रोबिक नेचर, ठीक है, यानी दोनों तरह के नेचर को ये शो करता है युगलिना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है दोनों तरह से हो सकता है, एसेक्सुअल भी होता है, ज़्यादातर एसेक्सुअल ही होता है, और सेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ये दो तरह की होती है, लाइफ साइकिल शो टू टाइप बिहेवियर, लाइफ साइकिल, अब देखिए लाइफ साइकिल में ये पहला सोइंग, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, और दूसरा गैमेटिक मियोसिस, सोइंग गैमेटिक मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। जायगोटिक मियोसिस का मतलब होता है कि जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो जायगोट के अंदर मियोसिस होती है, और 4 या 8 उससे जू मियोस्पोर्स निकलते हैं और वो जर्मिनेट करके हैप्लॉयड प्लांट को या हैप्लॉयड प्रोटिस्टा को बनाते हैं। जबकि गैमेटिक मियोसिस में क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है जैसे स्पर्म एंड ओवा जैसे बनता है ना, उस गैमिट के फॉर्मेशन में जब मियोसिस होता है तो उसको गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। इसमें ज़्यादातर जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉयड होती है, यानी कि जो प्लांट बॉडी होता है या जो प्रोटिस्टन होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। अब देखिए प्रोटिस्टा जो होते हैं वो डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, जैसे स्लाइम मोल्ड में, ठीक है, फोटोसिंथेटिक नेचर को भी शो करते हैं, ठीक है, बहुत मिक्स बिहेवियर होता है, या पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है।
डिकम्पोजर में स्लाइम मोल्ड बताया था, फोटोसिंथेटिक में आपका क्रेसोफाइटा, ठीक है, डायटोमेटम होते हैं, ठीक। तो जो पैरासाइट होते हैं ये डिजीज भी काज करते हैं, बहुत से अमीबिक डिजीज जो होती हैं वो पैरासाइट प्रोटोजोवंस की वजह से होती है। जैसे मैं आपको कुछ डिजीज़ का नाम बताता हूँ, जैसे डिसेंट्री, पेचिस होता है ना, अमीबा के द्वारा आता है, डिसेंट्री, ठीक है, मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट होता है ना, स्लीपिंग सिकनेस, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्लीपिंग सिकनेस। तो ये सब प्रोटिस्टेंस के द्वारा होता है और विशेष रूप से प्रोटोजोअन्स के द्वारा होता है।